मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी से कई घंटे तक की गई पूछताछ के बाद देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद जब मंत्री को कार में बिठाया गया तो वो फूट फूट कर रोने लगे और सीने में दर्द की शिकायत करने लगे। उन्हें बाद में शहर के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब सेंथिल को कोर्ट में पेश किया जा सकता है जहां एजेंसी उनकी कस्टडी की मांग करेगी। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच के सिलसिले में करूर जिले से ताल्लुक रखने वाले द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के नेता बालाजी से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की। हाईकोर्ट ने बालाजी के खिलाफ कथित नौकरी के बदले नकदी घोटाला में पुलिस और ईडी को जांच की इजाजत दी थी, जिसके कुछ महीने बाद ये कार्रवाई की गई। वी सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी और ईडी की छापेमारी के बाद विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, केजरीवाल और ममता बनर्जी समेत कई मुख्य विपक्षी नेताओं ने इस पर निंदा करते हुए इसे विपक्ष के खिलाफ प्रतिशोध की भावना से की जा रही कार्रवाई करार दिया। शरद पवार ने ट्वीट कर कहा, मैं विपक्षी दलों की ओर से शासित सरकारों के मंत्रियों के खिलाफ ईडी की लगातार हो रही कार्रवाई की कड़ी निंदा करता हूं। सेंथिल बालाजी के कार्यालय पर छापे के साथ ईडी अब अलोकतांत्रिक केंद्र सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाज को कुचलने के अपने मकसद के साथ दक्षिणी राज्यों में पहुंच गई है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कहा कि मंत्री सेंथिल बालाजी के सचिवालय कार्यालय पर ईडी की ओर से की गई कार्रवाई संघीय सिद्धांत पर सीधा हमला है। अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ बीजेपी की पिछले दरवाजे की रणनीति से उन्हें अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। बीजेपी की बदले की राजनीति की ओछी हरकतों को देख रहे लोगों की चुप्पी को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। ये और कुछ नहीं बल्कि 2024 के तूफान से पहले की शांति है जो बीजेपी को बहा ले जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु के बिजली मंत्री के कार्यालय की तलाशी में ईडी के घोर दुरुपयोग की निंदा करती है। ये उत्पीड़न और डराने धमकाने की मोदी सरकार की बेशर्म कोशिशें हैं। राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ जांच एजेंसीज का दुरुपयोग मोदी सरकार की पहचान रही है। ये हथकंडे विपक्ष को चुप कराने में कामयाब नहीं होंगे। ईडी ने धन शोधन के एक मामले की जांच के सिलसिले में वी सेंथिल बालाजी के परिसरों पर छापे मारे हैं। सूत्रों ने बताया कि यहां और इरोड के अलावा बालाजी के गृह जिले करूर में भी तलाशी ली गई। ईडी के अधिकारियों ने कहा कि यहां सचिवालय में बालाजी के कार्यालय के कमरे में भी तलाशी ली गई। इस मामले में दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और कहा कि विपक्ष को परेशान करने और डराने के लिए केंद्रीय एजेंसीज का बीजेपी की ओर से दुरुपयोग बेरोक टोक जारी है। तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी के खिलाफ ईडी के छापे की कड़ी निंदा करता हूं। राजनीतिक बदले की भावना से अंधी बीजेपी हमारे लोकतंत्र को अपूर्णीय क्षति पहुंचा रही है। ममता बनर्जी ने भी ट्वीट किया और कहा कि मैं डीएमके के खिलाफ बीजेपी की ओर से राजनीतिक प्रतिशोध की इस कार्रवाई की निंदा करता हूं। केंद्रीय एजेंसीज का दुरुपयोग लगातार जारी है। तमिलनाडु के मंत्री के राज्य सचिवालय और उनके आधिकारिक आवास पर ईडी के छापे अस्वीकार्य हैं। ये बीजेपी की घिनौनी हरकत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।